इसके ना बनने की वजह यहाँ पर हमारे सेंशन है कि जो इस वक्त सेंशन हम पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना डेवलप इसको नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे इस कंडीशन को, गवर्नमेंट कंडीशन ऐसी है कि हम इस पर जो है ना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई दूसरा इन्वेस्टर आए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि ये डेवलप हो सके। और ये सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये पूरा एक जो है ना कॉम्प्लेक्स है जिसमें फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर गेम्स की जगह, स्विमिंग पूल की जगह, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन सारे वो ब्लूप्रिंट के अंदर है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह सेंशन की वजह से। और यहाँ पर पहले भी चावर प्रिजोन के हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हम यहाँ अंडर 16 की टीम हम लोग इंडिया लेके गए हैं, वहाँ पर पंचकूला में वहाँ पर मैचेस खेले हमने। और नेशनल टीम को, अंडर 16 को, अंडर 19 को चावर प्रिजोन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इस टाइम भी जो ना वो इसकी वजह यही थी कि यहाँ पर ज़्यादातर नेशनल टीम के लड़के इसी जगह पर, इसी इलाकों में रहते हैं, वो उनके लिए कुछ डेवलप करना चाहते थे। और बाहर से प्लेयर जैसे आएंगे, जैसे लाइक इंडियन IPL, वहाँ पर जैसे बाहर के प्लेयर आ रहे हैं तो इंडियन क्रिकेट यंग के अंदर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा, आगे जा रहा है। तो हमें भी ये चीज़ चाहिए कि हमें भी क्रिकेट को ग्रोथ करने के लिए, जब तक बाहर की टीमें, अच्छी टीमें यहाँ पर आएंगी, हम खेलेंगे तो फिर हमारा क्रिकेट भी बहुत डेवलप होगा। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर अफगानी और पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ क्रिकेट के लिए जो ना बहुत अच्छा है कि अगर इस पर कोई इन्वेस्टमेंट करे और इसको बनाए, आगे डेवलप करे इसको। इंडिया को आना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आप लोगों ने इंडिया से रिक्वेस्ट करी है? मैं तो ऑफिशियली नहीं जानता, लेकिन वैसे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली आपके इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज़ के। अभी हम बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ हुए कि वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है, लेकिन ये कि एक अच्छी टीम है इस तरह के, उनको खेलना चाहिए। तो यहाँ पर लोग, फैन बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। इंडियन क्रिकेटर कौन सा सबसे सर पसंदीदा मुझे खुद जो इस वक्त यंगेस्ट में जयसवाल बेहतरीन, और दूसरा एक और प्लेयर है आपका जो यंगेस्ट में भी बहुत ज़्यादा नया जो सामने आ रहा है, गेकवाड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसका गेम। और लेकिन आपके लेजेंडर में MS धोनी, उसका जो उसको हमने बहुत देख के उससे हमने बहुत कुछ सीखा, किस तरह लड़कों को हमने ट्रेन करना है, किस तरह उनसे काम लेना है, यानी बहुत कुछ सीखा हमने MS धोनी से, इनके स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ सीखा हमसे। ये चाहते हैं कि इंडिया ये संदेश सुने और उसके बाद इंडिया इन्वेस्टमेंट लेकर आए, स्टेडियम को बनाए, कोचिंग दे और यहाँ पे क्रिकेट पैदा लें, जैसे पानी। जी, हम ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर जैसे इंडियन जो मैनेजमेंट BCCI आए, यहाँ पर जो ना हमारे लड़कों को कोचिंग के लिए ट्रेन करे, एम्पायरिंग के लिए ट्रेन करे और मुख्तलिफ दूसरे शोबों के अंदर हमारे सपोर्ट करे और हमारे लड़कों को वहाँ बुलाए, वहाँ पर ट्रेन करे। इस तरह के काम होंगे तो हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी।